आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए एंड लाइक तो ढेर सारी चाहिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों ओप्पो से। ओप्पो फाइंड एक्स सेवन सीरीज की फाइनली लॉन्चिंग डेट निकल कर बाहर आ चुकी है। वही ओप्पो फाइंड एक्स सेवन सीरीज 8 जेन को लॉन्च होने वाली है चाइना में और उसके कुछ एक या डेढ़ महीने बाद हमें ये जो ओप्पो फाइंड एक्स सेवन सीरीज है जो कि भारत में भी देखने को मिल जाएगी। और इस बार कहा जा रहा है ओप्पो फाइंड एक्स सेवन सीरीज में हमें 3 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, ओप्पो फाइंड एक्स सेवन, ओप्पो फाइंड एक्स सेवन अल्ट्रा और ओप्पो फाइंड एक्स सेवन अल्ट्रा में कोई एडिशन भी आने वाला है। जी हाँ, अब यहाँ पर देखते हुए ओप्पो फाइंड एक्स सेवन सीरीज की क्या प्राइस रखता है ओप्पो और ये हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाती है, इस बात का इंतजार है। वीवो की बात करते हैं दोस्तों, वीवो एक्स हंड्रेड सीरीज की इंडिया की जो प्राइस वो निकल कर बाहर आ चुकी है, जहां पर वीवो एक्स हंड्रेड ये जो स्मार्टफोन है जिसका 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आने वाला जो वेरियंट है जिसकी प्राइस 63,999 रुपीज कही जा रही है। जी हाँ, View X100 Pro ये जो स्मार्टफोन है जिसका 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ आने वाला जो वेरिएंट है जिसकी प्राइस 89,999 रुपीस कही जा रही है। अब देखते हैं View X100 सीरीज की क्या प्राइस सेट करता है View, क्या कुछ नए हमें ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं View X100 सीरीज के साथ ही। अब ये तो हमें 4 जेन को पता चल ही जाएगा। सैमसंग की बात करते हैं दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज के लॉन्चिंग डेट काफ़ी ज़्यादा ही नज़दीक है। 17 जन को ये लॉन्च होने वाली है, जहां पर ये ग्लोबली एज वेल एज हमें भारत में सेम टाइम पर देखने को मिल जाएगी। सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज की काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट निकल कर बाहर आ रही है दोस्तों कि भाई S24 सीरीज जो है वो हमें एक्जीनोस 2400 चिपसेट के साथ देखने को मिल जाएगी भारत में। जी हाँ, ये काफ़ी बुरी खबर है वैसे। अब देखते हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज की लाइनअप में कौन से स्मार्टफोन मॉडल्स में हमें यही चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। वैसे आप हमें ये बताइए दोस्तों, सैमसंग ने जो डिसीजन लिया हुआ है वो अच्छा है या बुरा, कमेंट में जरूर से बताइए। ओप्पो की बात करते हैं दोस्तों, ओप्पो रेनो 11 सीरीज जो कि कहा जा रहा है हमें एशियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी, जहां पर मलेशिया को इंक्लूड किया गया है, जहां पर ओप्पो रेनो 11 सीरीज की ऑफिशियली लॉन्चिंग डेट भी कंफर्म हो चुकी है। भाई 11 जैन ये जो डेट है तभी ओप्पो रेनो 11 सीरीज हमें देखने को मिल जाएगी एशियन मार्केट में, जहां पर ओप्पो रेनो 11, ओप्पो रेनो 11 प्रो ये दोनों ही स्मार्टफोन होने वाले हैं। वैसे ओप्पो रेनो 11 सीरीज जो कि हमें बहुत ही जल्दी भारत में भी देखने को मिल जाएगी, मे भी शायद से ऐसा भी हो सकता है ओप्पो रेनो 11 सीरीज जो कि 11 जेन को एशियन मार्केट में लॉन्च होने वाली वही सेम डेट पर हमें भारत में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पिंच ऑफ सॉल्ट हम ऐसा गेस कर रहे हैं, वैसे देखते हैं क्या होता है। ओप्पो रेनो 11 सीरीज जो कि हमें भारत में कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है, लेट्स सी। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की जो को पायलट ऐप है जो कि एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए लॉन्च की गई थी, जी हाँ, प्ले स्टोर पर अवेलेबल थी, अब ये जो ऐप है जो कि iOS डिवाइस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, जहां पर iPad OS में भी ये देखने को मिल जाती है। वाओ, फैंटास्टिक, यानी कि अगर आपके पास iPhone है या फिर iPad है तो आप जरूर से ये जो एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अभी फिलहाल आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जा रही है और कई जगह पर आपको फीचर्स का इस्तेमाल करना है तो आपको साइन इन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप विदाउट साइन इन किए हुए बहुत सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे काफ़ी अच्छी बात है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, इस्तेमाल करिए और फिर जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप कमेंट में जरूर से शेयर करिए। एप्पल की बात करते दोस्तों, एप्पल की अपकमिंग आईफोन 16 सीरीज की जो लाइनअप है जिसे आने में अभी भी देरी है, पर अब धीरे धीरे इसकी जो खबरें वो आना शुरू हो चुकी है, जहां पर एप्पल आईफोन 16 सीरीज में जो प्रो मॉडल्स आने वाले जिसकी डिस्प्ले की डिटेल निकल कर बाहर आ चुकी है। वह एप्पल आईफोन 16 प्रो ये जो स्मार्टफोन है जिसमें कहा जा रहा है 6.3 इंच के में डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी डिस्प्ले साइज, जबकि एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें फाइनली 6.9 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली। वैसे दोस्तों आप हमें ये बताइए कि आपके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना है तो भी डिस्प्ले की साइज कितनी होनी चाहिए, क्या सोचिए आपकी इसके बारे में, कमेंट में जरूर से बताइए। पोको के ओर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, पोको M6 Pro ये जो स्मार्टफोन है जो कि फाइनली लॉन्च हो चुका है UAE में,
और ही स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 6.67 इंच के FHD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। MediaTek Helio G99 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। 64 मेगापिक्सल OIS के सपोर्ट के साथ आने वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। हालांकि 16 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स। और यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ केवल एक सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है जो कि 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ आता है। और इसकी जो प्राइस है वो UAE में रखी गई है 899 दिरहम, यानी अप्रॉक्सिमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से 20,000 रुपीस के आसपास हो जाता है। और ये जो स्मार्टफोन है वो डेफिनेटली इस प्राइस पर भारत में नहीं आएगा। अगर भारत में इस प्राइस पर यानी 20,000 रुपीस के प्राइस पर 4G स्मार्टफोन मिलने लगा तो बात ही रह गई। जी हाँ, वैसे पोको का ये स्मार्टफोन कोई परचेज नहीं करेगा, यानी डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस ये जो स्मार्टफोन है हमें भारत में देखने को मिल सकता है कुछ 12-13 हज़ार रुपीज़ के प्राइस सेगमेंट में। अब देखते हैं क्या होता है पोको M6 Pro, ये जो स्मार्टफोन है जिसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है भारत में, कितनी ही जल्दी इस बात का इंतज़ार है। Xiaomi की बात करते हैं दोस्तों, Xiaomi ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया हाइपर ओएस का। जी हाँ, वे हाइपर ओएस हमें भारत में भी देखने को मिल जाएगी, ऑफिशियली लैंडिंग पेज भी आ चुका है। वैसे देखते हैं Xiaomi के कौन से स्मार्टफोन्स में हमें हाइपर ओएस का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, कितनी ही जल्दी इस बात का इंतजार है। दोस्तों गूगल मैप्स की बात करते हैं, ये काफी कमाल का फीचर बहुत ही जल्दी रोल आउट होने वाला है गूगल की ओर से। जैसे कि व्हाट्सएप पर आप रियल टाइम लोकेशन शेयर कर पाते थे, इसी तरीके से आप गूगल मैप्स पर भी रियल टाइम लोकेशन को शेयर कर पाओगे। अब ये धीरे धीरे रोल आउट होना शुरू हो चुका है, अब देखते हैं कितनी ही जल्दी हमें नॉर्मली सभी यूजर्स के लिए फीचर देखने को मिल जाता है, इस बात का इंतजार है। काम करियल की बात करते दोस्तों, अगर आपको चाहिए ड्यूअल OTG पैन ड्राइव, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। सैंडिस्क के और से वाला सैंडिस्क अल्ट्रा ड्यूअल OTG पैन ड्राइव अभी भी आपको काफी कम कीमत में अमेजोन पर देखने को मिल जा रहा है। और यही पैन ड्राइव के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो दोस्तों 64GB स्टोरेज के साथ आने वाला ये जो पैन ड्राइव है जिसमें हमें USB 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि 150 Mbps की आपको रीड स्पीड भी देखने को मिल जाएगी, काफी ड्यूरेबल ये पैन ड्राइव होने वाला है। वैसे ये पैन ड्राइव आपके हर एक डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल रह जाएगा एंड 5 साल की आपको वारंटी भी देखने को मिल जाएगी, और क्या चाहिए। और यही पैन ड्राइव की अगर कीमत की बात करें तो ये अभी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 509 रुपये में। वैसे काफ़ी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं दोस्तों, रैम्बो 6 ये जो गेम है जिसका अनाउंसमेंट 2022 में हो चुका था, हालांकि बेटा टेस्टिंग भी शुरू हो चुका था और क्लोज भी हो गया, और ये गेम कहा जा रहा था हमें दिसंबर 2023 में देखने को मिल जाएगी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं और ये जो गेम है और भी ज़्यादा डिले हो चुकी है। अब कहा जा रहा है ये गेम हमें सितंबर 2024 में देखने को मिल जाएगी। वैसे ये गेम से रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबर सुनने को ये मिल रही है कि भाई ये जो गेम है जिसमें हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी कि ऑपरेटर्स देखने को मिलने वाले, जहां पर 5v5 की बैटल होगी, अटैक वर्सेस डिफेंस, जहां पर ऑपरेटर के पास यूनिक गैजेट्स एंड एबिलिटीज देखने को मिल जाएगी। वैसे यूबीसॉफ्ट के टाइटल काफ़ी बेहतरीन होते ही है, और ये जो गेम है वो मच एंटिसिपेटेड टैक्टिकल फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। जी हाँ, वैसे अगर आपको इस टाइप की गेम खेलने का मज़ा आता है तो ये गेम काफ़ी बेहतरीन रहेगी आप सभी के लिए। वैसे देखते ये जो गेम है जो कि हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है, इस बात का इंतजार है। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आप सब, तक के लिए कीप ऑलवेज स्मेलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।